अबे मौसी के चूतिया बना रहा है सबको मना का अंडर बियर कर लो छोड़ दे भाई देख लो भाई ये ले देख लो देख लो ये कस्तो चूतिया बनाए ये ले कति चीट चूतिया बनाए गिफ्ट करने के लिए प्लॉट 4 जमजम ट्रेवल हो सुनो भाई आप मैं कॉल करता हूं ये टाउन इस भाई ने मुझे आईफोन गिफ्ट करने के लिए भाई मैंने आपको पठा दिया है सरवान है मेरा नाम सरवान मेरे नाम एड्रेस पठा है भाई तो नाम तो एड्रेस जो भेजा है उसके ऊपर आपका पार्सल यहाँ से एयरपोर्ट में से डिलीवरी होगा भाई एयर में सामान अभी लोडअप हो रहा है ठीक है अभी एयरपोर्ट में सामान लोडअप हो रहा है भाई ये आपका जो नाम जो एड्रेस दिए है नेपाल कौन सी जगह का है भाई नेपाल यानी कोहलपुर क्या नाम बोला है कोहलपुर कोहलपुर ये कौन से एरिया में पड़ रहा है आपके पास बगल में एयरपोर्ट कौन सा है नेपालगंज राजा एयरपोर्ट नेपालगंज है हाँ ये आपको नेपालगंज में ये रिसीव करना चाहोगे तो इसका जो चार्ज आपको डिलीवरी का लग रहा है तो वो कौन पे करेगा भाई मैं नेपालगंज पे आपको आपको पे करूंगा कितना पड़ता है डिलीवरी चार्ज भाई इसका डिलीवरी जो चार्ज लगेगा वो लगेगा आपको 8100 रुपीस है ये भाई 8000 की क्या किस लिए 8000 में पे करूं आपको आप पार्सल नहीं लेना चाहते हो क्या मैं लेना चाहता हूं आप नेपालगंज में भेजिए ना मैं आपको फेस टू फेस दूंगा डिलीवरी चार्ज भाई उसका जो चार्ज है वो ऑनलाइन अपना नेपाल में पेमेंट करना है वो विदेश को थोड़ी भेजना है और नेपाल का ही चार्ज है तो नेपाल में ही पे करना है भाई आपको बैंक का खाता नंबर दिया जाएगा जिसका खाता पे जमा भाई ये फेक कॉल के मैं ऑनलाइन पे नहीं करूंगा आपको इंसान भेजो मैं इंसान को दूंगा 8000 नहीं करना है तो कॉल अपना किए नहीं करना है तो फिर मैं कोई जबरदस्ती नहीं भाई ये मेरा भाई ये मेरा गिफ्ट है मेरा आ गया ना भाई ये मेरा गिफ्ट है भाई हाँ भाई बात करो हाँ ये कुरियर ऑफिस का मैनेजर बोल रहा हूँ नहीं नहीं आप नहीं हो भाई नहीं हो भाई ये फोन रखिए आप नहीं रख रख चुतिया मीटर दूंगा अरे ना चुतिया बना तेरी माँ का अंडर बियर हजुरलाई सचेत छ यो भिडियोमा देख्नुभयो यसले कति रफ शब्दहरू बोल्यो मेरो भाइले पनि बोल्यो यताबुद्धि ठिक छ यस्तो कलबाट सेभ हुन लागेको कहिले घिउ खाँदैन तपाईँलाई